गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएम सेकंड क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। एबीएम की सेकंड क्लास जो हम कह रहे हैं अकाउंटेंसी की, मुझे बच्ची ने किया केजरीवाल, उसने क्वेश्चन सेंड किया है कि चैप्टर 4 में एग्जांपल नंबर 4 क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद अगर किसी कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करें, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करें। चैप्टर 4 एग्जाम्पल 3, देखो एग्जाम्पल 3 है वो आज सुबह भी पूछा गया था, एग्जाम्पलों में से एक एग्जाम्पल है, उसमें था कि मुरारी नवीन और ओम प्रकाश ऐसे पार्टनर क्रिएट 1, 2 और 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वल कर दो, क्रिएट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 है, यानी रेशियो हो गया 3:4:1। रिटायर कौन है? मुरारी। मुरारी के शेयर को कौन रिसीव करने वाला है? नवीन और ओम प्रकाश। नवीन कितना लेगा? 2 1, तो नवीन सेकंड, मुरारी का शेयर 3 8 2/3 मिलेगा 6 20 2, जबकि बैलेंस जो है वो कौन रिसीव करेगा? ओम प्रकाश। ओम को ओम कितना टेकन करेगा? 3/8 का 2/3 तो लेंगे किसने? नवीन ने, तो बचा कितना? 1/3, 3/24 ये टेकन करेंगे, और टेकन करने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है क्या, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है? 4 8 + 6 24 कॉमन 24 दिया। इसके अंदर आपका जो रिटायर हो रहा है मुरारी, इसका शेयर है 3 8, वो 2/3 तो नवीन को दे रहे हैं, नवीन कितना टेकन करेगा? 2/3, तो बचा कितना? 1/3 ओम प्रकाश टेकन। निकल गया कौन कितना टेकन करने वाला है, इसको कितना गेन होने वाला है? ये गेनिंग है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन फॉर न्यू रेशियो, ये लिखा है ओल्ड प्लस गेन। ओके, किसी को और क्वेश्चन में डाउट है उसको मतलब स्टार्ट करें। चैप्टर चैप्टर 4 में हमने गुडविल को लेके स्टडी कर लिया। गुडविल के बाद में जो हमारा टॉपिक्स है उनको क्वेश्चन हम कुछ कर लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। मनीषा रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन रेशियो 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है, तो हम इसमें दो काम कर सकते हैं, गुडविल अकाउंट ओपन करके क्लोज कर सकते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। तो क्या है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो देखो गुडविल अकाउंट ओपन की एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट अपर्णा, मनीषा एंड, जबकि क्लोज की एंट्री क्या हो जाएगी?
अपना अकाउंट डीआर, सोने अकाउंट डीआर टू गुडविल। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहे, एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहे तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग। मैं दोनों टाइप की एंट्री कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट है टॉप क्वेश्चन है। तो देखो दोनों टाइप कैसे, इसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन, आपको एक एंट्री करनी है समझाने के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल का अकाउंट ओपन करते हैं, गुडविल अकाउंट दिया 1,80,000 टू अपर्णा, मनीष और सोमन, टू अपर्णा मनीष सोमन अकाउंट किस रेशियो में डिवाइड होगा, व्हाट रेशियो, 3:1। तो 3:1 है गुडविल अकाउंट ओपन, क्वेश्चन साइलेंट है, गुडविल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज। क्लोज कौन करेगा, अपर्णा और सोनिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट किया एस कैपिटल अकाउंट किया टू गुडविल, गुडविल कितना 1,80,000 डिवाइड कर लो कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 3:2, तो 3:2 में इसको डिवाइड करो, 3:2 में डिवाइड करेंगे 1,80,000 को, तो कितना आ जाएगा 72 और इसका कितना आ जाएगा 1,00,000। ये तो गुडविल अकाउंट ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मेरे पास क्या है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग अपर्णा इज कैपिटल अकाउंट डीआर, सोनिया सोनिया कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग, रिटायरिंग कौन है, मनीषा टू एक्स कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका शेयर, एम कैपिटल, एम कितना शेयर है 60,000 और इस 60,000 को आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू गैनिंग रेशियो। तो क्या गैनिंग रेशियो क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट होता है ओरली, नहीं, क्योंकि ओर और न्यू दोनों रेशियो गिवन है, तो वर्किंग नोट में गैनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस सॉरी न्यू माइनस ओल्ड अपर्णा सोनिया न्यू 3:2 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना था 3:6 सोनिया का 1:6 था कॉमन 13 माइनस 15 3 अपॉन 30 12 माइनस 5 7 30। तो जो आपका कैरिंग रेशियो है वो 3:7 3:7 डिवाइड करो तो कितना आएगा 18,000 और 42,000, यही आपका आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। डेबिट अपर्णा अकाउंट 18,000, डेबिट सोनिया अकाउंट 42,000 एंड क्रेडिट, इसमें क्रेडिट लेना चाहिए था, सारे डेबिट कैसे हो सकते, डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होगा, ये इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, क्रेडिट मनीषा कैपिटल कितना 1,000 60। ऑप्शंस दो है हमारे पास, गुडविल अकाउंट ओपन
and after clause. Next, remaining to retire. Remaining to retire के लिए अगर क्वेश्चन में by क्वेश्चन में आपको old के दो से बनो दे तो गैंडिंग कैलकुलेट करना ऐसे new minus first topic complete. कुछ और first topic में कोई doubt है किसी भी type का कोई doubt नहीं विशाल जी इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है कंप्लीट होता है. इस पे किसी कोई डाउट हो कोई डाउट नहीं करें क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. संगीता सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:3:5. गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू 60,000. संगीता रिटायर एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. सरोज शांति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. रिकॉर्डेड necessary journal entry. Record करो necessary journal entry. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं इसकी 60,000. अब कितना थाउजेंड हो गया 90,000. कितना इंक्रीज हुआ 30,000. 30,000 से गुडविल को ओपन करो. गुडविल अकाउंट डेबिट टू संगीता सरोज टू शांति कितना थाउजेंड इंक्रीज 30,000 डिवाइड कर दो कौन सा रेशियो 2:3:5 तो 2:3:5 मैं डिवाइड करेंगे तो 6:9:15 ये डिवाइड करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन और कुछ नहीं बोला साइलेंट है तो ये क्लोज है. तो क्लोज कौन कर सकते हैं रिमेनिंग कौन इसमें रिटायर है संगीता रिटायर है तो सरोज और शांति इसको क्लोज कर देंगे. सरोज कैपिटल अकाउंट हियर शांति कैपिटल अकाउंट हियर टू गुडविल. अब गुडविल बोलो कितना अमाउंट है 60 पहले था प्रीवियस 34 प्लस टोटल कितना हो गया 90. फ्यूचर में कहते हैं कि इक्वली क्या कर सकते थे हम जो हमारे 30,000 की 60,000 की गुडविल है उसको क्लोज कर बंद कौन बंद करते ओनली खोली थी ओनली उसको क्लोज कर
और फिर रिमेनिंग रिटायर कर देते हैं कितने थाउजेंड से 90,000 लेकिन पैसा जाने से बेटर है इंक्रीज एंड ठीक है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें वापस से रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल ये सारे करने लग जाएंगे गुडविल के लिए भी इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन हमने इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप गुडविल को लेके आप निकाल लेना उनकी प्रैक्टिस करना बाय द वे कोई डाउट है तो मैं से पूछ लेना क्लास रहेगी ऑफलाइन है कल क्लास इसको ओपन होगा तो आपको जो कुछ पूछना है वो मेरे से आपको इसके अंदर आज के लिए आपको इतना ही करेंगे और तो इसके अंदर कुछ नहीं सकते क्योंकि आज की जो क्लास है उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा लेंथी है उसके बारे में समझना पड़ेगा उसके बाद ही वो सॉल्व हो पाएगा जबकि इसके अंदर जो हमने बताया वो नहीं मिलेगा ठीक है चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ चलो मुझको करके दिखाना उसका आंसर क्या है चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको A, B, C पार्टनर है 5:3 रिटायर कौन हो रहा है ए ये क्या हो गया रिटायर और B एंड C फ्यूचर में इक्वल होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया फर्म वुड बी आपकी है 60,000 कीमत मुझे व्हाट्सएप से सेंड करो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है क्योंकि आपके पास गुड़ी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रोवाइड हमारे पास कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर है 5:3 रिटायर कौन होगा ए फर्म की टोटल वैल्यू कितना 60,000 बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर गिवन एडजस्टमेंट इन फ्री
पुलिस उन्हें करवाया सर इधर मेरे कोर्ट में कोर्ट में दिया दिया चार वर्ष कोर्ट स्टाफ अपना आंसर व्हाट्सएप पे सेंड करो जो भी आपका आंसर आता है हो गया ये आपका आंसर नेक्स्ट बिल्कुल वर्षा आपका आंसर बिल्कुल राइट है इसका आंसर होगा फीस कैपिटल अकाउंट दिया फीस कैपिटल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल एस कैपिटल क्या कह रहे हैं 30,000 60,000 पर इक्विटी है इसका शेयर प्राइस है 30,000 डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में कैरिंग रेशियो न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो न्यू में सॉल्व करने का आया 12,000 18,000 तो प्रिया आपका रेशियो तो सही था बस अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट निकाल दिया नहीं तो प्रिया का नहीं था अब देखिए अगर तुम लाभ देने आ रहे हो क्या होगा फॉर्म की कुकिंग मत किया करो शेयर किया करो ओके नया कभी स्टार्ट कर नहीं सकते कल ही करेंगे क्या तो कितने स्टार्ट बाकी कल की क्लास में देखिए आप अच्छे से पढ़ा ठीक है बच्चे बाकी कल स्टार्ट करते हैं आएंगे स्कूल में कल से स्टार्ट करते हैं कल सभी स्कूल आएंगे ओके बाय